तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के दिन सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, और इसी प्रॉफिट के साथ आज जो मार्केट में चल रही है वो मार्केट के अंदर यहाँ पर 44,900 के आसपास से मार्केट ओपनिंग करी थी। 44,900 के आसपास से मार्केट ने ओपनिंग करी थी, वहीं से मार्केट एकदम शार्प फॉल डाउन आता हुआ दिखाई दिया। और अभी जो मार्केट के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जो पैटर्न देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न भी दिखाई देता है। तो एक बार रीटेस्ट आफ्टर रीटेस्ट तो ये लोअर हाई वगैरह चलता रहता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट अब हमें 44,937 के आसपास तक हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में या कुछ समय में। कल के दिन भी हमें ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज के दिन आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, और जो लोग यहाँ पर शुरुआत में एंट्री करके CEPE के साथ अगर आपने ऑप्शन के डाटा को रीड किया होगा तो ऑप्शन चेन के अंदर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को देखा होगा। मान लीजिए आपने 45,000 के स्ट्राइक प्राइस को देखा, तो वो स्ट्राइक प्राइस जैसे ये साइडवेज है वैसे ही वो भी साइडवेज था, और जैसे साइडवेज होने के बाद एकदम से शार्प मूव आया, और जिस भी साइड ये गुजरता हुआ दिखाई दिया एक अच्छा खासा मूव उस ऑप्शन के प्राइस ने पकड़ा। मान लीजिए कोई 80 पॉइंट्स की लाइन में फंस रहा था, तो उसके बाद डायरेक्ट ही मार्केट ने उसे 280-380 के आसपास में ले जाकर पटक दिया। इतनी तेज़ी से ऑप्शन के अंदर मूव आया, और अभी जो मूव आपको देखने के लिए मिल रहा है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अभी जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है, कल के दिन देख लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये जो होगा ये सपोर्ट की तरह। तो दोस्तों, एक ये जो जोन निकल कर आ रहा है आपके सामने, जो अभी ये जोन निकल कर आया आ रहा है, यहीं से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन ले, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद या फिर कल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद और फिर इस जोन के ऊपर रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है, या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। वहीं पर अगर जब ये नेगेटिव कैंडल के साथ ओपनिंग करेगा, नेगेटिव कैंडल के साथ ओपनिंग करेगा तो सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ पर सपोर्ट इसको देखने के लिए मिल सकता है। और जब ये इस जोन के आसपास आएगा तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दोस्तों वो साइडवेज मार्केट एक अच्छी खासी आपको या तो अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई देगी या फिर डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई देगी। डाउन ट्रेंड में आप इतना चलकर मान सकते हैं कि 44,600 के आसपास, 44,700 के आसपास आपको दिखाई दे सकती है मार्केट, और हो सकता है तो 44,500 के लेवल के आसपास भी मार्केट आपको दिखाई दे। यहीं पर अगर हम दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के, HDFC बैंक की बात करें, तो चलिए चल देते हैं HDFC सेक्टर के पास। HDFC सेक्टर ने एक इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट में ये जो बनाया है एक तरीके से W पैटर्न के हिसाब से ही बनाया है मार्केट ने, और अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई दी आज के दिन। कल के दिन अब इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम डाल लेंगे हम। कल के दिन हमें इस शेयर के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी के हिसाब से मार्केट जो है मूव करता है, वैसे ही हम इसी हिसाब से देखते हैं। तो ये एक जो जोन होगा 1655 के आसपास का, और जो रेजिस्टेंस लेवल 1642 के आसपास का, ये जो लेवल है यहाँ से क्रॉसिंग के बाद मार्केट आपको, और जब ये 1655 आपको क्रॉसिंग होता हुआ दिखाई दे तो अच्छा खासा आपको ट्रेंड के अंदर मूव आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये आपको 1600 या फिर 1700 के आसपास जाकर दिखाई दे सकता है, जब CE के साइड जो है मार्केट ज़्यादा अच्छे खासे तरीके से वोलाटाइल देखने को मिल सकती है। और अगर यहीं से मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाया और कल के दिन ही जहाँ पर आज क्लोजिंग हुई यहीं पर मार्केट ओपन हुई, तो एक नेगेटिव कैंडल बनाकर मार्केट एक डाउन ट्रेंड का मूव कर सकती है, और डाउन ट्रेंड का सबसे मेजर सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 1634 के आसपास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, और एक मेजर सपोर्ट जो आपको मिलेगा 1622 के आसपास का। तो दोस्तों, ये एक मूवमेंट थी आपने कल के दिन जो पकड़नी है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप सभी ने करना है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल की लाइव स्ट्रीम में, हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण राज।